दोस्तों सब जानते हैं कल उदयपुर में क्या हुआ। दो मुस्लिम युवकों ने एक हिंदू युवक जिनका नाम था कन्हैया लाल, उनका बेरहमी से खून कर दिया और खून करने के बाद एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने अपने इस कारनामे पर खुशी जताई और साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नुपुर शर्मा को मारने की धमकी दी। आज हम बात करेंगे इसी सिलसिले में, क्या सच में इस्लाम की तालीमात, क्या सच में इस्लाम की एजुकेशन ये है जो इन लोगों ने दिखाई है, क्या सच में कुरान मुसलमानों को ये एजुकेशन देता है जो इन लोगों ने दिखाया है। चलिए सबसे पहले आप वो वीडियो देखें कि उन लोगों ने क्या कहा है, उन लोगों ने क्या किया है। आप वो वीडियो देखें और बातें करते हैं बाद में। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, जैसा कि सब जानते हैं नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश में क्या आलम था। नुपुर शर्मा का बयान वो सही था या गलत, इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देख लीजिएगा। लेकिन उसके बाद जो देश में आलम था, जो देश में माहौल था, वो क्या था? पूरे देश से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जितने भी इस्लामिक देश थे वहां पर क्या आलम था, ये हम सब बाखूबी जानते हैं। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों ने तो आतंक उतार दिया, कहीं पर उन्होंने पत्थरबाजी की, कहीं पर उन्होंने नारा बुलंद किया, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, गुस्ताखे नबी की एक सजा। क्या सच में इस्लाम ये इजाजत देता है कि अगर कोई नबी का गुस्ताख है उसे मार दिया जाए, उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए? तो उसका एक ही जवाब है, नहीं। दोस्तों कुरान में लिखा है जिस किसी ने किसी शख्स को ना हक कत्ल किया गोया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। सूरह अल-माईदा की आयत नंबर 32 में कि जिसने एक जान को ना हक कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और जिसने एक जान को बचा लिया, उसकी जिंदगी बचा ली, गोया पूरी इंसानियत को बचा ली। सूरह अन-निसा के अंदर आएगा कि जो शख्स भी जानबूझ के किसी को कत्ल करता है ना, उसकी जजा हमेशा की जहन्नम है, हमेशा की जहन्नम। ये कत्ल का मामला बड़ा क्रिटिकल है जनाब। लेकिन अफसोस है आज के मुसलमान बस कुरान का नाम जानते हैं, कुरान के अंदर क्या है ये नहीं जानते। और जो लोग बयान करते हैं कुरान के अंदर क्या है, वो सब अपनी मनमर्जी का, वो सब अपनी मनमर्जी का, जो बात कुरान की है वो नहीं बताई जाती। लोगों को नहीं पता, आज के मुसलमानों को नहीं पता कि कुरान के अंदर क्या लिखा है। ये बात बिल्कुल सच है, कुछ लोगों को बुरी लग रही होगी लेकिन कोई बात नहीं, जो सच है वो सच है। आज के मुसलमानों को नहीं पता कुरान में क्या लिखा है। जब कुरान में अल्लाह ने कह दिया कि जिस किसी ने किसी शख्स को नाहक कत्ल किया गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, क्या ये बातें मुसलमानों को याद नहीं? और रही बात नबी की शान में गुस्ताखी की, तो मैं आपको बता दूं नबी की शान में गुस्ताखी क्या होती है। और जिन जिन लोगों ने नबी के दौर में नबी की शान में गुस्ताखी की, नबी ने उनके साथ क्या किया, नबी ने उन्हें क्या सजा दी। तो ये वीडियो स्पेशल मुसलमानों के लिए यहां से शुरू होता है। जब फतह मक्का हुआ, मुसलमानों तुम्हें याद होगा, तुमने कहीं ना कहीं से सुना होगा नबी की शान में इतनी गुस्ताखी आज के मुसलमानों के हिसाब से मक्का वालों ने की थी। उन्होंने नबी को मक्के से बाहर निकाल दिया, उन्होंने नबी को गालियां दी, उन्होंने नबी को जादूगर बताया, फितनागर बताया, वगैरह वगैरह वगैरह। उन्होंने नबी के साथ जंगे की, उन्होंने नबी को मारने की कोशिशें की, उन्होंने नबी के हज करने पर बैन लगा दिया, उन्होंने नबी को 3 साल के लिए अबू तालिब की घाटी में भेज दिया। ये थी नबी की शान में गुस्ताखी जो मक्का वालों ने नबी के दौर में की थी। और जब फतेह मक्का हुआ, यानी कि जब नबी ने मक्का पर फतह पाई, मक्का पर जीत पाई, उस समय एक भी कत्ल मक्का में नहीं हुआ था, यानी कि एक भी आदमी को नहीं मारा गया था। और नबी की शान में इससे ज्यादा गुस्ताखी क्या होगी कि मक्का के अंदर वो लोग मौजूद थे जिन्होंने नबी के चचा हजरत हमजा को कत्ल किया था। मक्का के अंदर वो लोग मौजूद थे जिन्होंने नबी की 2 बेटियों को कत्ल किया था। क्या ये सारी बातें आपको याद नहीं कि जब फतेह मक्का हुआ और जब नबी ने कहा कि मैंने सब मक्का वालों को माफ किया, मैंने उन्हें भी माफ किया जिन लोगों ने मुझे गालियां दी, मैंने उन्हें भी माफ किया जिन्होंने मेरे चाचा को कत्ल किया,
मैंने उन्हें भी माफ किया जिन्होंने मेरी बेटियों को कत्ल किया। इतनी गुस्ताखियां करने के बाद नबी ने उन सब लोगों को माफ कर दिया। लेकिन आप लोगों ने अपना अलग ही मिजाज बना लिया है कि नबी के सामने कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। सबसे पहले आप एक बात सोचे, पूरी दुनिया का हर वो आदमी जो अल्लाह को नहीं मानता, जो पैगंबर को नहीं मानता, जो पैगंबर के होने पर यकीन नहीं रखता, जो इस कुरान पर यकीन नहीं रखता, वो गुस्ताख नबी है। अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो सबका कत्ल वाजिब है। अगर ये सोच आप लोगों की रही तो आप समझते भी, आप सोचते भी है क्या हाल हो जाएगा दुनिया में। आप लोगों ने नुपुर शर्मा को मारने का प्लान बना लिया, आप लोगों ने नुपुर शर्मा के ऊपर फतवा लगा दिया, गुस्ताख रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा। क्या किसी आलिम ने, किसी मौलाना ने नुपुर शर्मा को जवाब दिया है अच्छे से कि नुपुर शर्मा आप हमारे सामने आए, आपके ये मुद्दे थे, चले मैं ये बताता हूं, आपने ये जिस हिसाब से लिया है वो गलत है, सही बात ये है। क्या किसी आलिम ने ऐसे जवाब दिया? लेकिन नहीं, फतवा जरूर लगा दिया। और उन फतवों का अंजाम ये हुआ कि कल उदयपुर में दो मुस्लिम नौजवानों ने, जिसमें से एक का नाम है मोहम्मद रियाज अंसारी और दूसरे का नाम है मोहम्मद गौस, उन्होंने उस शख्स को कन्हैया लाल को बेमतलब कत्ल किया, जबकि कन्हैया लाल की इसमें कोई गलती नहीं, कन्हैया लाल के 8 साल के बेटे ने वो पोस्ट की थी। तो अब उनके ऊपर कौन सा फतवा लगना चाहिए? ये कुरान का फतवा उनके ऊपर लगा दे कि जिस किसी शख्स ने किसी को नाहक बेवजह कत्ल किया, गोया कि उसने तमाम इंसानियत को कत्ल किया, क्या ये फतवा नहीं लगना चाहिए? लेकिन इसके खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, कोई भी बात नहीं करेगा। पूरी दुनिया का मुसलमान जानता है, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान जानता है कि जो कल मुद्दा पेश आया वो बिल्कुल गलत है, लेकिन कोई बात नहीं करेगा कोई भी। हाँ, इक्का दुक्का कोई होंगे जो बात करेंगे, जो अपनी राय पेश करेंगे, लेकिन अगर आपकी यही मनसा रही मुसलमानों, अगर आपकी यही सोच रही, तो आप समझते हैं देश में क्या हाल होगा। कन्हैया लाल का खून देखने के बाद क्या हिंदुओं का खून नहीं खोला होगा? क्या हिंदुओं के दिल में नहीं आया होगा कि मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाए? आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये हुक्म दे दे कि तमाम मुसलमानों को मार दो, क्या देश का हर हिंदू ये सोच नहीं रहा होगा आजकल? जब मुसलमानों की ये हरकतें हिंदुओं के सामने आएगी, गैर मुस्लिम के सामने, नॉन मुस्लिम के सामने आएगी, तो वो लोग क्या सोचेंगे? वो लोग ये नहीं देखेंगे कि जो इन लोगों ने काम किया है वो किताब नहीं कहती, वो इस्लाम नहीं कहता, वो नबी ने नहीं कहा। वो लोग देखेंगे कि मुसलमानों ने काम किया है, उन लोगों के लिए ये किताब कोई मायने नहीं रखती, उन लोगों के लिए नबी कोई मायने नहीं रखते, उन लोगों के लिए अल्लाह कोई मायने नहीं रखता, उन लोगों के लिए मायने रखता है कि सामने वाला मुसलमान है, सामने वाले ने ये काम किया है, और सामने वाले ने ये काम किया है तो उनकी किताब में लिखा होगा। आज नहीं तो कल आप ये वीडियोज भी देखेंगे यूट्यूब पर कि लोग ये कह रहे होंगे कि मुसलमानों की किताब में ये सब लिखा है तो मुसलमानों ने ये सब किया है। आज नहीं तो कल आप ये वीडियोज देखेंगे मुसलमानों। तो मुसलमानों, अब भी वक्त है, गिरते हुए समय को बचाया जा सकता है। ये जो लोग ये सोच रखते हैं कि गुस्ताख रसूल को मार दिया जाए, ये सोच खत्म करनी होगी। अगर ये सोच रही तो देश का हर हिंदू नबी के सामने में गुस्ताखी करेगा, ये आपको याद रखना होगा। जरूरी नहीं वो आपके मुंह पे करे, अपने दिल में लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, जरूरी तो नहीं वो आपके मुंह पे करे। मैं इससे ज्यादा तो कुछ कहना चाहूंगा नहीं, बस इतना कहना है कि मुसलमानों ने ये जो काम किया है वो बिल्कुल गलत है। इस्लाम मजहब में इस तरह के खून की कोई परमिशन नहीं, कोई इजाजत नहीं, कुरान में ऐसा कोई हुक्म नहीं जिसकी बिना पर इन्होंने ये काम किया है, नबी की ऐसी कोई हदीस नहीं जिसके बिना पर इन्होंने ये काम किया है। ये सब इनकी अपनी सोच है, ये सब नकली मौलानाओं ने इनके दिमाग में भर दी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मुसलमानों को चाहिए कि उन दोनों लोगों की फांसी की अपील अपने आप करें, और दोस्तों देश में शांति बनाए रखें। और जितने भी नॉन मुस्लिम मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं, मैं बता दूं, इस्लाम मजहब में ऐसी कोई परमिशन नहीं। इस्लाम मजहब ने कभी नहीं कहा कि किसी का खून करो, इस्लाम मजहब ने कभी नहीं कहा
कि बेरहमी से किसी को मार दो। इस्लाम मजहब की किताब में कभी नहीं लिखा कि किसी का नाहक कत्ल करो, ना पैगंबर ने कभी किसी का नाहक कत्ल किया है ना करवाया है। पैगंबर ने उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन लोगों ने पैगंबर के चचा को मारा था, जिन लोगों ने पैगंबर की दो बेटियों का कत्ल किया था, जिन लोगों ने पैगंबर को मक्का से निकाल दिया, जिन लोगों ने पैगंबर को मदीने से निकालने की कोशिश की, जिन लोगों ने पैगंबर के खिलाफ जंगे की, पैगंबर ने उन सबको माफ कर दिया। आप लोग देखे फतेह मक्का का इतिहास, उन सब लोगों को पैगंबर ने माफ किया है जिन लोगों ने पैगंबर की शान में गुस्ताखी की थी। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस्लाम मजहब कोई भी ऐसी इजाजत नहीं देता। आप लोग अपने दिल में ये ख्याल बिल्कुल ना लाए कि मुसलमानों की किताब में लिखा है या मुसलमानों के पैगंबर ने ये सब कहा है। नहीं मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं कहा। ये जो लोग काम करते हैं ये इनकी अपनी सोच है, अपनी मनसा है, कुछ मौलानाओं ने इनके दिमाग में भरी है। इस्लाम मजहब में ऐसी कोई परमिशन नहीं। जिस मजहब ने वजू करते समय नाहक पानी बहाने की इजाजत ना दी हो, वो मजहब किसी का नाहक खून करने की इजाजत कैसे दे सकता है? ये बातें मुसलमानों को सोचनी होगी। ये बातें मुसलमानों ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इन पे अमल भी क्या करो, लोगों को बताया करो, समझाया करो। ये पत्थरबाजी की इजाजत भी मुसलमानों इस्लाम नहीं देता। देश का माहौल बहुत खराब है, आप लोगों को बना के रखना होगा, आप लोगों को मिलकर चलना होगा। अपना ख्याल रखें, अपने घर पर रहें।